डाइवर्सिटी या विविधता की बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, वो बात होगी। मैं पहले आवाज़ दूंगी सलिल जी को, जो हिंदुस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में डाइवर्सिटी के पूरी संवाद, इस पूरी चर्चा को रखेंगे। क्यों डाइवर्सिटी के बात? शुक्रिया। मैं डाइवर्सिटी की बात करूंगा, लेकिन जो आज का दिन है खुर्शीद को याद करने का, तो मैं खुर्शीद की ज़िंदगी के माध्यम से, उसकी जो अपनी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ थी उसके माध्यम से, उसके अपने दिमाग में जो नए नए आइडियाज़, नए नए विचार आ रहे थे, उसके माध्यम से इस बात को आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। ISD का 10-15 साल पुराना इतिहास है, खुर्शीद के एक्टिविज़्म का ज़्यादा पुराना इतिहास है, वो काफ़ी पहले से एक्टिव था। जब से जानता हूँ, हम लोग की दोस्ती 1980 से है, वो पार्टी का AISF का मेंबर था, इस दुनिया समाज को एक कम्युनिस्ट चश्मे से देखता था। उस चश्मे से देखने की अपने एडवांटेजेस भी थे, अपने डिसएडवांटेजेस भी थे, लेकिन एक ख़ास बात थी कि डायलॉग की संभावना बनी रहती थी। तो डायलॉग कभी भी हो सकता था, कॉन्फ्लिक्ट होती थी, डिसएग्रीमेंट होते थे, लेकिन उसका चश्मा बरकरार बना हुआ था। कुछ धीरे धीरे कुछ समय, और गांधी पर और तमाम मसलों पर खुशी की वही समझ थी जो कि एक क्लासिकल कम्युनिस्ट मूवमेंट से जो हमको मिली हुई थी। धीरे धीरे एक तब्दीली, एक बदलाव उसकी सोच समझ में, इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन में ये आया कि उसने अपनी सोच समझ में गांधी को थोड़ा ज़्यादा जगह देना शुरू की, थोड़ा पढ़ना और चर्चा गांधी पे करनी ज़्यादा शुरू की, और उसको लगा कि अगर दुनिया को बेहतर देखना समझना है और कहीं ना कहीं पे उसमें हस्तक्षेप, इंटरवीन भी करना है। इंटरवेंशन उसके दिमाग में काफ़ी रहता था, ISD बनने से पहले भी वो सोच रहा था, थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, डिसओरिएंटेशन भी था, किस तरह से इंटरवीन किया जाए, किस एरिया में किया जाए, ये था। तो उसमें अब उसको लगा कि गांधी के साथ ज़्यादा रूबरू होने से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। और जैसा कि खुर्शीद के ही साथ नहीं, हम बहुत सारे लोगों के साथ हुआ, जब 6 दिसंबर 1992 के बाद में एक ख़ास तरह से गांधी को लोगों ने देखना शुरू किया, जो गांधी की पॉलिटिक्स की अपनी लिमिटेशंस थी, कमजोरियां थी, उनको भी ज़्यादा देखना समझना शुरू किया। इसलिए कि हमें लगा कि हम उन लिमिटेशंस तक भी शायद नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए कि गांधी की विरासत से हमको ज़्यादा क्रिएटिवली एंगेज करने की ज़रूरत है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैंने नोटिस किया कि एक तब्दीली उसके सोचने में आई, कि कहीं ना कहीं पे अपना जो इंटेलेक्चुअल विरासत थी उसमें उसने बिल्कुल ही लेफ्ट विंग क्लासिकल कम्युनिस्ट विचारों के साथ साथ कुछ और विचारों को भी एंट्री दी, और उन विचारों का आपस में सह अस्तित्व भी रहता था, कभी कभी द्वंद्व भी रहता था, कभी कभी डायलॉग, लेकिन हमेशा रहता था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने नोटिस की, तब तक ISD की फॉर्मेशन हो चुकी थी और उसका एक ख़ास फ्लेवर भी बन चुका था, एक ख़ास तरह की एक्टिविटीज़ भी बन चुकी थी, लेकिन मुझे अभी भी याद है, उसका फ़ोन आया कि मिलना है, और हम लोग मिले, और मिलने पे उसने, ये गुजरात हो चुका था, गुजरात के बाद की बात, 2002 के बाद की बात है, इमीडिएटली बाद की बात है, और उसके पास कुछ स्टैटिस्टिक्स थी, वो अपना कुछ स्टैटिस्टिक्स लेके आया, और उसने मुझे बताया कि अभी तक जो पता चला है गुजरात में जो हिंसा हुई है उसमें थोड़ी सी, उसने बताया कि थोड़े से मंदिर टूटे हैं और उससे कहीं ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा मस्जिदें टूटी हैं, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा, मंदिर से और मस्जिद से, उन दोनों से ज़्यादा ध्वस्त हुए हैं बहुत सारी वो सूफी श्राइन और वो उस तरह की जगह जो कि शेयर्ड, एक कॉम्पोजिट इस्तेमाल की चीज़ थी। और ये जो उसने अपनी डेटा रखा, नंबर बताया, और इस डेटा से उसने कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ एक हाइपोथेसिस इन्फर की, और उसकी हाइपोथेसिस जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी। उसकी हाइपोथेसिस ये थी कि ये तय था कि हमारे देश को एक बहुत बड़ा खतरा जो है, हमारे देश और समाज को आगे बढ़ने में जो कम्युनल फोर्सेज हैं वो साफ रूप से आड़े आ रही हैं। तो कम्युनलिज्म अपने आप में पॉलिटिकली, मॉरली इंडिफेंसिबल तो है ही, लेकिन वो हमारे समाज के आगे बढ़ने में भी, हमारे और तमाम जो सोशल रेवोल्यूशन हम लाना चाहते हैं उन सब में भी आड़े आता है, इसलिए उसको तो रास्ते से, उसके साथ
तो उस पर समझ बनाना और उसको डिफीट करना तो बहुत ज़रूरी है। उसने जो हाइपोथेसिस ये बनाई कि हमारे यहाँ की जो कम्युनल फोर्सेस हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स है, उसको बहुत बड़ा ख़तरा सेक्युलर पॉलिटिक्स से नहीं है, इसलिए कि वो जानती है कम्युनल फोर्सेस कि सेक्युलर पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ी बहुत इलिटिस्ट है, वो थोड़ी बहुत कॉस्मोपॉलिटन है, वो शहरों में ज़्यादा होती है, सेक्युलरिज्म की बात करने वाले ड्राइंग रूम में बैठे हुए इलीट होते हैं, उनका जनता से कुछ ताल्लुक नहीं होता है, इसलिए उनसे कोई ख़तरा नहीं है सेक्युलरिज्म के, इट हैज़ फीट ऑफ क्ले, वो बेस नहीं है। लेकिन कम्युनल फोर्सेस को ज़्यादा ख़तरा हमारे देश की ही अपनी, हमारे देश और समाज की उन सिंक्रेटिक और कॉम्पोजिट परंपराओं और एलिमेंट्स से है जिनकी की जड़ें हमारे समाज में और हमारे इतिहास में बहुत गहरे तक समाई हुई हैं। अगर हम अपने इतिहास पर दृष्टि डालें और पूरे के पूरे साउथ एशिया के इतिहास पर दृष्टि डालें तो अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग रीत रिवाज, ये सब जो हैं ये रहे हैं और बहुत ज़्यादा रहे हैं, और ये किसी एक सिंगल पॉइंट में फ्यूज़ नहीं हुए हैं, इनका एक पूरा सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है, कल्चरल लिंग्विस्टिक ये सब सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ है। ये डाइवर्सिटी हमारे समाजों की एक बहुत बड़ी परंपरा की एक बहुत बड़े फीचर है, उसकी बहुत बड़ी मजबूती है, और ये डाइवर्सिटी कहीं ना कहीं पे कम्युनल टेकओवर के रास्ते में आती है, इससे उनको डर लगता है। तो ये उसने पहली अपनी हाइपोथेसिस बनाई। दूसरी हाइपोथेसिस इसी से मिलती हुई ये बनाई कि इस तरह की डाइवर्सिटीज़ जो हैं, जो वो सिर्फ हमारी परंपरा और इतिहास में ही नहीं हैं, वो हमारे वर्तमान में भी हैं, वो लिव्ड लाइफ में भी नहीं है। अक्सर लोगों का उस तरफ ध्यान नहीं जाता है, अक्सर उसको लोग इम्पॉर्टेंस ज़्यादा नहीं देते हैं। अभी भी बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो छोटी छोटी जगहों में, छोटे छोटे कस्बों में, बहुत जगह में लाइफ जो लोग लीड करते हैं वो इतनी इंटेंगल्ड है, कॉन्फ्लिक्ट भी होती है उसमें, मारपीट भी होती है, लेकिन कल्चरल लेवल पे इतनी डीपली इंटेंगल्ड है वो लाइफ कि उनको इतनी आसानी से सेपरेट कर पाना बहुत आसान नहीं है। तो सिर्फ अतीत का ही मामला नहीं है, हमारे वर्तमान में भी काफ़ी कुछ इस ये सब है। और तीसरी जो उसने हाइपोथेसिस निकाली वो मुझसे बहस के बाद एक डायलेक्टिकल प्रोसेस में निकली थी, मैंने भी उसमें कुछ योगदान मेरा भी था, वो ये था कि ये जो हमारे समाजों की जो डाइवर्सिटी है, जो प्लूरैलिटी है, वो सिर्फ एक सेग्रीगेशन वाली प्लूरैलिटी नहीं है कि ये भी है, ये भी है, ये भी है, जैसे कि सभी जगह दुनिया के प्री मॉडर्न सारी सोसाइटीज़ प्लूरल रही हैं, प्लूरैलिटी तो सारी सोसाइटीज़ का हिस्सा है। हमारी जो प्लूरैलिटी है वो इंटरकनेक्टेडनेस है, उसमें सिंक्रेटिज्म भी उसका हिस्सा है। अगर हम सिर्फ प्लूरैलिटी और डाइवर्सिटी पर फोकस करेंगे तो वो बात नहीं आएगी, उसकी उतनी ही बड़ी मजबूती इस बात से आती है कि वो डाइवर्सिटी भी है लेकिन वो इंटरकनेक्टेड भी है, उसमें सिंक्रेटिज्म भी है, उसमें मिक्स्ड भी है, उसमें इंटेंगलमेंट है, काफ़ी कुछ जुड़ाव है। तो मतलब हमारा समाज, हमारी सामाजिक संरचना बहुत ही जटिल है, वो जटिल इसलिए है कि उसमें प्लूरैलिटी भी है लेकिन साथ ही साथ में सिंक्रेटिज्म भी है। और अक्सर उसने जब पुरानी राइटिंग्स देखी, वो हिस्ट्री भी बहुत पढ़ता था, तो उसने कहा कि जो 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने जो इस तरह का हमारा इतिहास लिखा, जो हमारे समाज को समझा, तो उन्होंने टिप ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर को पे फोकस किया। तो जब टिप ऑफ द सोशल स्ट्रक्चर को देखा तो उनको सेग्रीगेशन ज़्यादा नज़र आए। उन्होंने कहा कि अलग अलग विलेजेस हैं जिनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है, अलग अलग कास्ट ग्रुप्स हैं जिनका एक दूसरे से ताल्लुक नहीं है, अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स हैं, हिंदू मुस्लिम्स हैं, जिनका एक दूसरे से कुछ ताल्लुक नहीं है। तो उन्होंने ये डाइवर्सिटी देखी, लेकिन जो डीपर डाउन होता है सोशल स्ट्रक्चर में, टिप से एक नज़र एक तरह की तस्वीर लिखती है, आप डीपर डाउन देखते हैं तब आपको इंटरकनेक्शंस नज़र में आते हैं। तो ये तीन जो चीज़ थी उसने, एक तो ये कि कम्युनल फोर्सेस को ख़तरा सेक्युलरिज्म से कम है, सिंक्रेटिज्म और प्लूरैलिटी से ज़्यादा है, ट्रेडिशन से ज़्यादा है। दूसरा ये कि ये हमारे अतीत का ही हिस्सा नहीं है, हमारे वर्तमान का भी हिस्सा है। और तीसरा ये कि ये सिर्फ मसला प्लूरैलिटी का नहीं है, उसमें सिंक्रेटिज्म भी शामिल है। यहाँ से मुझे लगता है कि उसकी एक्टिविटीज़ को एक एंकर मिला, एक ख़ास तरह का दिशा, एक ख़ास तरह की डायरेक्शन मिली। और उसके बाद जो कॉम्पोजिट ट्रेडिशंस पे उसने मैनुअल तैयार किया अपने साथियों की मदद से, लेकिन मेन मूविंग स्पिरिट उसमें खुर्शीद की ही थी, तो उसमें इन्हीं चीज़ों पर काफ़ी जोर दिया गया
कि भाषा के स्तर पे, कल्चर के स्तर पे, सिनेमा के स्तर पे, लिव्ड कल्चर के लेवल पे किस तरह से, किस किस तरह से हमारी लाइफ जो हैं वो एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं, और ये लोगों को बताया जाना बहुत ज़रूरी है। जो खुर्शीद के जाने के बाद में अभी पिछले साल जो दो वॉल्यूम्स ISD ने निकाले हैं, एक तो खुर्शीद की डायरी है और दूसरे उसके बहुत सारे आर्टिकल्स हैं अलग अलग थीम्स पे, और अगर आप दोनों को देखेंगे तो वो दोनों में ये कॉमन थीम नज़र आती है। उसकी पूरी डायरी जो लिखी है वो उसमें अपने अपने बचपन की बातें लिखी हैं, अपने गांव में करारी की बातें लिखी हैं और शरारतें हैं उसमें, अली जावेद की भी तमाम खबर है, इनकी भी शरारतें हैं, लेकिन वो सब शरारतों के अलावा मेन पॉइंट उसमें यही है कि उन गाँव में, उन जगहों में जो लिव्ड लाइफ थी और आज भी है वो किस तरह से सिंक्रेटिक है, किस तरह से मिक्स्ड है, उसमें उसको बहुत ही नीट डिवाइडिंग लाइंस में बांटा जाना मुश्किल है। तो लोगों का, हिंदुस्तान के और साउथ एशिया के लोगों ने एक तरीका निकाल लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा जो है वो बिल्कुल अलग तरीके से जीते हैं। कुछ रिचुअल्स ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली लाइफ ऐसी होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि बिल्कुल अलग तरीके से प्राइवेट रियल में जीते हैं, और कुछ हिस्से उनकी ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल ही वो मिक्स तरीके से, सिंक्रेटिक तरीके से आपस में बातचीत करके, लड़ झगड़ के, कॉन्फ्लिक्ट से, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन से उस तरीके से जीते हैं। और वो उसको उन चीज़ों में बड़ी दिलचस्पी नज़र आ रही थी, उसमें उसको बहुत उम्मीद भी नज़र आ रही थी, तो उसकी उसको लगा कि हमारे समाज के लिए जो उम्मीद है, जो होप है, वो इन सिंक्रेटिक परंपराओं से है जो कि अभी भी हैं, लेकिन लोगों को बताया जाना भी जरूरी है। तो एक फिनोमिनन तो है लिव्ड रियलिटी, लेकिन लिव्ड रियलिटी अपने आप लोगों तक नहीं पहुंच जाती है, उसको पहुंचाना होता है। तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, अपनी राइटिंग्स के माध्यम से, और जो अपनी एक्टिविटीज़ वर्कशॉप वगैरह के माध्यम से, उसने कहा कि उसकी जो काफ़ी जो है एक्टिविटीज़ वो इसी उसमें चलती रही, और ये अंत तक उसके लिए खास, उसकी एक्टिविज्म का एक ख़ास इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा। दूसरा एक जो इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो मुझे अब लगता है वो ये था, थोड़ी सी लेफ्ट से उसको काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, उसकी राइटिंग्स में भी काफ़ी है, और वो समझ में भी आने की बात है, आपको डिसअपॉइंटमेंट वहीं से होता है जहाँ से आपकी उम्मीदें होती हैं, और आप कभी कभी अपनी उम्मीदें जो बनाते हैं वो कॉन्टेक्स्ट को बगैर देखे बनाते हैं। हम सभी लोग करते हैं, जब हम लेते हैं, कहते हैं कि भारत में क्रांति क्यों नहीं हुई, तो ये दोषी है, ये दोषी, हम लोग कल्प्रिट ढूंढ लेते हैं, हम लोग कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में नहीं देते हैं कि एक कॉन्टेक्स्ट होता है जो कि उस समय के एक्टर्स पे, उस समय के लोगों के ऊपर बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस भी प्लेस करता है। हम सारे लोग, चाहे हम या हमारे नेता लोग या अतीत के नेता लोग, वो हर समय फ्री नहीं होते हैं, दे आर नॉट फ्री टू डू व्हाट दे वांट टू डू, उनके सामने कुछ गिवन चॉइसेस होती हैं जिनमें कि उनको अपना फैसला करना होता है। ये बात लेफ्ट पे भी लागू होती है, ये बात हमारे नेशनल मूवमेंट के लीडर्स पे भी लागू होती है। खुर्शीद इस तरफ उसका ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था, वो जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उस पर ध्यान नहीं जाता था, उसकी एक्सपेक्टेशंस होती थी और वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई तो उसको लगता था कि वो ये निराशा की बात है। तो उसको लगता था कि जिस तरह से एक बहुत ही वाइब्रेंट दलित मूवमेंट हमारे यहाँ आ रहा है, जो कि उसको लगता था कि जिसको खुला छोड़ देना गड़बड़ है, इसलिए कि उसके अंदर में नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ भी हैं, तो वो लग रहा, उसको लग रहा था कि कम्युनलिज्म से लड़ना या एक बेहतर भविष्य के लिए लड़ना जो है, उसके लिए कम्युनलिज्म से लड़ना बहुत ज़रूरी होगा। उसके लिए अगर दो ये सोर्सेज जो हैं, एक तो दलित मूवमेंट और दूसरा जेंडर, विमेंस मूवमेंट, यहाँ से उसकी जो उसके दिमाग में एक तस्वीर थी बड़ी कि ये जो एनर्जीज यहाँ से आएंगी, इनका क्रिएटिवली इनको चैनलाइज करना है इनटू आल्सो अदर स्ट्रगल्स अगेंस्ट कम्युनलिज्म, अगेंस्ट ऑब्स्क्योरेंटिज्म एंड सो ऑन। इसके पीछे उसकी एक विशफुल थिंकिंग भी यही थी कि बहुत सारी जो पॉजिटिव हमारे समाज में संघर्ष और स्ट्रगल्स हैं वो एक दूसरे से अलग थलग ना रहें, उनका एक दूसरे से तारतम्य बना रहे, एक दूसरे के साथ डायलॉग बना रहे। तो दलित मूवमेंट का, महिलाओं की मूवमेंट का, जो कम्युनलिज्म के अगेंस्ट मूवमेंट है, जो सोशल जस्टिस के लिए मूवमेंट है, जो एनवायरनमेंट के लिए मूवमेंट है, इन सब का एक दूसरे के साथ डायलॉग बने, और डायलॉग इस तरह से बने कि वो एक क्रॉस पर्पस पे ना हो, वो दोनों एक दूसरे, वो सारे के सारे एक दूसरे को एनरिच करें, एक दूसरे को मजबूत करें, एक दूसरे को ऊर्जा दें और एक दूसरे से ऊर्जा लें। ये भी विचार उसके दिमाग में काफ़ी जर्मिनेट कर रहा था, जो कि अगर उसकी राइटिंग्स पढ़ें वो दोनों वॉल्यूम्स, तो उसमें काफ़ी क्लियर लगती हैं। तो मुझे लगता है कि ISD का भी कमोबेश इसी तरह का सफ़र रहा है। खुर्शीद की इंटेलेक्चुअल जर्नी, जो कि
विच इज़ ब्रूटली कट शॉर्ट सडनली एकदम से, जिसमें कि बहुत पोटेंशियल्स थी, जिसमें कि बहुत सारी संभावनाएं थी, बहुत कुछ उस जिंदगी को करना था, लेकिन वो 18 दिसंबर को ख़त्म हो गई। तो मुझे लगता है कि ये दो उस पॉइंट पे जब उस समय उस अब जब वो एक एक्टिविस्ट की तरह से, एक संगठन के नेता की तरह से सोच रहा था, तो ये दो आइडियाज़ मुझे लगता है उसके दिमाग में काफ़ी डोमिनेंट थे। पहला आइडिया यही सिंक्रेटिज्म और प्लूरलिज्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना, अपनी ही विरासत, जो लोगों की अपनी विरासत है, उस विरासत को उन लोगों तक पहुँचाना वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि फिर उनके उनका इंटरेस्ट अपने समाज में और अपने समाज को बेहतर करने में ज़्यादा आएगा। और दूसरी उसकी जो एनर्जी थी वो इसमें लगी हुई थी कि बहुत सारे जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं जिनकी कि अपनी अलग अलग एनर्जी है, दलित मूवमेंट, विमेंस मूवमेंट, एनवायरनमेंट, अगेंस्ट कम्युनलिज्म, सोशल जस्टिस, इन सबका एक तारतम्य बने। मुझे लगता है दोनों ही आइडियाज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और मुझे लगता है कि ISD इन दोनों फ्रंट पे काफ़ी बेहतर, काफ़ी इफ़ेक्टिव, काफ़ी कारगर तरीके से काम करेगी, और वही हमारी खुर्शीद अनवर के लिए सबसे बड़ी ट्रिब्यूट होगी, इसलिए कि अगर वो होता तो वो भी यही करना चाहता। तो ISD यही काम करेगी, और उनकी बुकलेट में इसके बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी तफसील से, सिलसिलेवार, सिस्टमेटिक तरीके से जानकारी भी दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।